हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि गेट 2022 में आया था। द मेजर प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। यहाँ पर पी एंड क्यू को बताना है कि पी एंड क्यू क्या होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है, विच इज करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है कि रिएक्टेंट है, फाइव मॉडरिंग है। इस फाइव मॉडरिंग में आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से कनेक्टेड इस तरीके से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच सी एच टू, और इसको ट्रीट किया गया है एलडीए -70 डिग्री सेल्सियस। एंड अनदर रिजल्ट यहां पर है, फोर ब्रोमो ब्यूट वन इन, फोर ब्रोमो ब्यूट वन इन। तो पी क्या होगा? पी क्या होगा, मैं यहाँ पर बताया हूँ कि पी क्या होगा। एक मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो रिएक्टेंट है ठीक, इसमें ट्रीट किया गया एलडीए। तो एलडीए क्या है, एलडीए बेस है, एलडीए बेस का काम करता है। बेस यानी कि एक्सेप्ट द प्रोटॉन, एलडीए एक बेस है, ये प्रोटॉन को लेने का काम करता है और वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो कहां से लेगा प्रोटॉन, यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, तो एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पर कौन सा है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसका अल्फा पोजीशन में, यहाँ पर इस पोजीशन में क्या है, यहाँ पर दो एच टू है, दो हाइड्रोजन है ठीक है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को एलडीए क्या कर लेगा, ले लेगा। तो यहाँ पर लेने के बाद क्या बन जाता है, माइनस चार्ज। जब एलडीए बेस का काम करेगा, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को लेता है कहां से, एसिडिक प्रोटॉन से। यहां पर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन, किसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, इस सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में। ये जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से एलडीए प्रोटॉन लेता है और लेने के बाद यहां पर क्या जनरेट होता है, माइनस चार्ज। तो सिर्फ और सिर्फ जो एलडीए है ये सिर्फ क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है और वहां पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है उस कार्बन में। देन जो यहाँ क्या है, क्या दिया गया था, फोर ब्रोमो ब्यूट वन इन, फोर ब्रोमो ब्यूट वन इन के साथ रिएक्ट करता है कौन, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज फोर्थ नंबर में अटैक करेगा और बीआर को बाहर कर देता है। ये जो माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक किया कौन से कार्बन में, जिस कार्बन में ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन में ये माइनस चार्ज अटैक करता है और अटैक करने के बाद जो बीआर ग्रुप है वह बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री यहाँ पर ये है कि अटैक करेगा ठीक है, तो ये जो पूरा जो ग्रुप है कौन से फेस में आके जुड़ेगा, मतलब कौन से फेस से अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप दिया हुआ है ये क्या है, ये ग्रुप दिया गया है, ये ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन से फेस से कौन से पोजीशन से आकर ये ग्रुप जुड़ेगा। तो ये जो आइसोप्रोपिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस फाइव मॉडरिंग में, फाइव मॉडरिंग में जो आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये है क्या, अबो द प्लेन, ऊपर की तरफ है, यानी कि अबो द प्लेन है। तो जो यहाँ पर जुड़ने वाला जो ग्रुप होगा, मतलब कि यहाँ पर ये ग्रुप जो जो जुड़ेगा तो ये कहाँ से जुड़ेगा, बिलो द प्लेन से, क्योंकि ये अबो द प्लेन में क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप ऑक्यूपाई है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, यानी कि यहाँ पर अबो द प्लेन में आने से मना करेगा, ये रोकेगा कि अबो द प्लेन में ऑलरेडी ये ऑक्यूपाइड है ठीक है, तो इस फेस में अटैकिंग नहीं हो पाएगा। तो माइनस चार्ज जब अटैक करता है तो कौन से फेस अटैक करता है, बिलो द प्लेन। तो ये जो ग्रुप जुड़ेगा वो जुड़ेगा बिलो द प्लेन, यानी कि इसके अपोजिट में ग्रुप जुड़ता है। ये क्या है, अबो द प्लेन है, तो यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाली फोर ब्रोमो ब्यूट वन इन वाला ठीक है, ये बिलो द प्लेन जुड़ा हुआ है, डैश लाइन में, डैश डैश लाइन में जुड़ा हुआ है। यहां पर मैंने अटैक करवाया फोर्थ कार्बन में, अटैक करने के बाद बियर बाहर चला गया और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, कनेक्ट कर दिया मैंने इस कार्बन से, ये है बिलो द प्लेन। तो ये क्या है, ये है पी, ये क्या है पी। अब इसमें से पी कौन सा है, ये तो दो ए एंड बी में सेम स्ट्रक्चर दिया गया है, पी का दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो सी एंड डी रिजेक्ट हो गए, सी एन डी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, ये गलत है सी एन डी। और ए एंड बी में से पी राइट है। अब क्यू देखते हैं कि क्यू क्या होगा, तो क्या दिया गया था, ग्रब्स सेकंड। ये ग्रब्स क्या है, ग्रब्स एक कैटलिस्ट है,
रुथेनियम मेटल बेस्ड कैटलिस्ट होता है, ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर होता है, अल्कीन मेटाथेसिस में। अल्कीन मेटाथेसिस एक टॉपिक, एक चैप्टर है अल्कीन मेटाथेसिस। उसमें क्या होता है, जब दो अल्कीन आपस में ग्रब्स कैटालिसिस की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो दो अल्कीन मिलकर एक नया अल्कीन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एक अल्कीन कहाँ, ये है एक अल्कीन, और दूसरा अल्कीन कौन सा, ये है, यहाँ पर दो अल्कीन बॉन्ड है, ठीक है। दो अल्कीन बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर रिंग क्लोजर रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिंग क्लोजर रिएक्शन। अल्कीन मेटाथेसिस में यहाँ पर क्या है, रिंग क्लोजर रिएक्शन होगा। ये दोनों अल्कीन आपस में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रब्स कैटालिसिस यहाँ पर रिएक्शन होगा। और एक्चुअली में क्या होता है, ये टू नंबर का कार्बन और ये वाली कार्बन, ठीक है, कौन सी, ये वाली कार्बन, ये इस तरह से ये आपस में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाता है आपस में, रिएक्ट करके फाइनल जो रिजल्ट मिलता है यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो ये जो टर्मिनल में CH2 था, क्या था, CH2 था, तो ये CH2 और ये CH2 दोनों क्या हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलकर वो बाहर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये रिंग क्लोजर रिएक्शन है अल्कीन मेटाथेसिस के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर क्या मिल गया, एक न्यू अल्कीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये साइड के जो तो कार्बन थे वो दो कार्बन बाहर चले गए, वो दो कार्बन कहाँ हो गए, वो बाहर हो गए। हमेशा यही रिएक्शन होता है अल्कीन मेटाथेसिस में, जब दो अल्कीन को रिएक्शन कराया जाता है तो जो टर्मिनल के जो कार्बन होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और अंदर वाले जो कार्बन होते हैं वो आपस में मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लेते हैं। ये होता है रिंग क्लोजर अल्कीन मेटाथेसिस रिएक्शन में। तो ये एक नया न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप में क्या दिया गया है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। और लिथियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, यह रिडक्शन करने का काम करता है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो किसको रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूस करता है जो एन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये बीच में क्या है, अमाइड बॉन्ड है ना, ठीक है, यानी कि एसिड अमाइड के जो बॉन्ड होता है ना, इस टाइप के बॉन्ड है, यहाँ पर इसको ब्रेक करता है, क्या करेगा, इसको तोड़ देगा यहां से। किस तरह से, ये इस तरह से यहां से टूट जाएगा और सी डबल बॉन्ड है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टू टाइम्स क्या करेगा, यहां पर H आकर जुड़ेगा इस कार्बन में। पहली बार में जब हाइड्राइड यहां पर जुड़ेगा तो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम में जब हाइड्राइड यहां पर अटैक करेगा तो सी डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओ की जगह पर क्या आ जाएगा, ओ के साथ क्या जुड़ जाएगा, एच, ये बन जाएगा ओ एच, ठीक है, और इस कार्बन में दो हाइड्रोजन जुड़ गए, जुड़ जाएंगे इस कार्बन में, सी डबल बॉन्ड ओ में जो कार्बन है सी, यहां पर दो हाइड्राइड फॉर्म में आकर यहां पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, क्या बनेगा, इस तरह से ये है ओ एच, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से इधर भी H है और इधर भी A क्या है, H, इस तरह से ये है H, ये भी H है, यहाँ पर H है, तो ये बन गया क्या, अल्कोहल ग्रुप। क्योंकि लिथियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, जो अमाइड बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, अमाइड ग्रुप है, इसको रिड्यूस करके क्या बना देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो जैसे के वैसे है, ये जो बिलो द प्लेन था वो बिलो द प्लेन ही है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, अरेंज करके बनाया गया है कि ये जो कार्बन है इसके बीच में जो है, कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो है यहाँ पर, इसको उसने दिखा दिया है डैश फॉर्म में। ये देखिए एक डैश में है और यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन में सोलर लाइन में है, यानी कि ये अबव द प्लेन में है और ये बिलो द प्लेन में है, तो प्रोडक्ट में है। यहाँ पर क्या है, ये वाली बॉन्ड बिलो द प्लेन है, तो इसको मैंने रिड्रा किया हूं, यानी कि फिर से इसको मैं ड्रा किया हूं। ऐसा करना है हमें कि
कि जो कार्बन है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होनी चाहिए। तो ये जो कार्बन है यहां पर क्या करना है, ये वाली कार्बन और इस कार्बन को हमें देखना है क्या इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसकी मैच हो रहा है कि नहीं इस कार्बन के साथ। यदि ये एस है, ठीक है, सपोज दैट यदि ये एस है तो यदि ये एस है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और यदि ये आर है, ठीक है, और ये एस है तो गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सेम होनी चाहिए, तभी ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो हम इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ पर है, अबोध प्लेन में। इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है, बिलो अबोध प्लेन में, सॉरी अबोध प्लेन में है। और इन दोनों में से ये देखना है क्यू क्यू ए और बी ऑप्शन में से ये देखना है कि क्यू का जो यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है, अबोध में है कि बिलो द प्लेन में है। तो क्यू में देखें तो क्यू में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर होगा, बिलो द प्लेन, क्योंकि अबोध प्लेन में तो ये क्या कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल वाला ग्रुप यहाँ पर है अबोध प्लेन में, तो हाइड्रोजन कहाँ पर होगा, बिलो द प्लेन में होगा। और जबकि इस क्यू में देखें तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर होगा, अबोध प्लेन में होगा, क्योंकि बिलो द प्लेन में कौन सा ग्रुप है, OH वाला ग्रुप। तो ये जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अबोध प्लेन में है, इसका मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन भी कहाँ पर है, अबोध प्लेन में है। तो मतलब कि बी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, करेक्ट ऑप्शन है, बी क्या है, सही ऑप्शन है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। क्योंकि ये पता लगा लें कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये दोनों की सेम होगी, क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है, अबोध प्लेन में है, इसलिए यहाँ जो सेंटर है इस कार्बन का हाइड्रोजन वो भी कहाँ है, अबोध प्लेन में है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। पी ये स्ट्रक्चर ये है एंड क्यू का स्ट्रक्चर ये, मैंने इसको दोबारा मैंने ड्रा किया है, ये दिस इज द क्यू, सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने चेंज कर दिया है, ये डैश लाइन में था, इसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर डैश लाइन में कर दिया है, बाकी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। क्योंकि जब ये घूमेगा, जब हम आर एस नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जो ये जो आएगा कन्फिग्रेशन आर होगा या एस होगा जो भी होगा वो ये भी सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो भी कन्फिग्रेशन आएगा वो सेम है, अतः बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।